हेलो यार गाइस, जैसे कि आपने आज के थंबनेल में भी देख लिया होगा कि गाइस आज हम अपने इस वाले हाउस को मिस करने वाले हैं और भाई न्यू वाले जीटीए मोड़ के फ्रैंकलिन के घर जाने वाले हैं। अब यार फ्रैंकलिन के घर जाने वाले हैं तो गाइस वहां से वापस आना शायद से मुश्किल ही है और भाई हमको कुछ मिशन भी करने पड़ेंगे भाई उसके घर जाने से पहले। तो गाइस वो मिशन मैं सारे एक एक करके पूरे करूंगा स्टेप बाय स्टेप और भाई आपको सारे मिशन देखने हैं एक एक करके और आप भी अपने गेम के अंदर जीटीए मोड़ के फ्रैंकलिन के घर जा सकते हो। बस यार गाइस मुझे अपने आरजी टूल वाले ऑप्शन के अंदर भाई एक कोड डालना है और उस कोड को डालते ही भाई मैं जीटीए मोड के अंदर चला जाऊंगा और फ्रैंकलिन का घर भाई मैं ले लूंगा। तो भाई यहाँ पर पुलिस भी नहीं है और मेरे पास अच्छे से मौका है यहाँ से कोई अच्छी सी गाड़ी उठाने का क्योंकि भाई मुझे काफी दूर जाना है अभी। तो यार मुझे यहाँ से कोई सी अच्छी सी कार चोरी करनी पड़ेगी जो कि भाई मैं यहाँ से ये हमर वाली कार चोरी कर रहा हूँ और भाई इस कार को लेकर निकल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर पुलिस नहीं है और जल्दी से मैं चलता हूँ भाई जीटीए मोड़ के फ्रैंकलिन के घर। तो भाई मुझे घर जाते जाते भाई रात भी हो सकती है तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। भाई वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज करता हूँ, भाई जो जो ट्रिक मैं कर रहा हूँ आपको वो ट्रिक करनी है, आप भी अपने गेम के अंदर जीटीए मोड़ के अंदर जा सकते हैं। राइट गाइस यार मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे आते आते भाई भाई रात भी हो सकती है और रात देख लो हो चुकी है पूरी और भाई मुझे यार उस भूतिया घर में जाना है और काफी ज्यादा डर लग रहा है जो कि भाई हमारे कैरेक्टर का पुराने वाला घर होया करता था और क्योंकि भाई वहां से मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर आना है। यार इस घर को भी मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि भाई यहाँ पे रात के टाइम पे डरावनी डरावनी आवाज आती है और तुम्हें पता है भाई मैं अकेला हूँ और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है मतलब, और अरे भाई लाइट भी बंद होगी कार की, हो भाई मुझे यार ऐसे ही अंदर जाना पड़ेगा और काफी ज्यादा डर लग रहा है और आवाज भी आप सुन सकते हैं कैसी आवाजें आ रही है। कोई ना गाइस मेरे को जाना तो पड़ेगा यार कैसे भी करके मुझे एक बार भाई वो सामान लेकर आना है बस, और आवाज तो देखो भाई क्या ही अलग लेवल की आ रही है भाई, अंधेरा है यार पूरे घर में। भाई जल्दी से यार अपना वो सामान वाला बैग ले लेता हूँ और भाई कैसे भी करके बस मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ भाई, उसके बाद फ्रैंकलिन के घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद भाई वापस कभी भी इंडियन बाइक ड्राइविंग। अरे अरे भाई ये क्या बदतमीजी है भाई, कौन है यार कौन है भाई, अरे भाई यार किसने गिरा दिया मेरे को, अरे भाई यार अरे दोबारा गिरा दिया भाई, कौन धक्का मार रहा है यार पीछे से, मेरा करेक्टर खुद पे खुद गिर रहा है भाई। जल्दी से यहाँ भाई अब तो एक ही गोली होता है, यहाँ से बस भागो। फाइनली गाइस यार मैं वहां से बच के आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर मुझे यार पेट्रोल अभी से यार अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल पूरा करवाना चाहिए क्योंकि भाई अगर यार आगे दिक्कत आई तो यार कहीं पे फ्यूल मतलब पूरा पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो गाइस यहीं पे मैं पेट्रोल भरा लेता हूँ अपनी गाड़ी में और भाई जल्दी से यार भर दो। अरे ओ भाई पेट्रोल पंप पे मैं आ गया, ओ भाई साहब यार कोई नहीं चाहता कि मैं जीटी गेम के अंदर जाऊँ मतलब यार मैं फ्रैंकलिन के घर जा पाऊँ, कोई नहीं चाहता भाई, यहाँ से भागो जल्दी यार भागो बस। और गाइस यार मैं आपको बताना भूल गया कि गाइस मैं अपने नाना जी के घर जा रहा हूँ और भाई यार शायद से पता नहीं कौन है जो मुझे नाना जी के घर जाने नहीं दे रहा और यहाँ पर देख सकते हो भाई यार दूसरा दिन भी निकल चुका है और फाइनली मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और भाई ट्रेन का टाइम भी बस चलने का ही हो रहा है, जल्दी से भाई ट्रेन में बैठ जाता हूँ, एक अच्छा सा डब्बा देखता हूँ भाई कौन से में बैठना है। आई थिंक गाइस इस वाले डिब्बे में बैठना बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि भाई ये खाली से लग रहा है, भाई खुल जाए यार सेम सेम। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन भी चल चुकी है और जल्दी से हम पहुंचने वाले अपने नाना जी घर, उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन हाउस के पहुंच जाएंगे और भाई नाना जी से हमको एक कोड पूछना है जो कि है कि भाई आरजीएस टूल के भाई अंदर कोड डालना है और उससे हम जीटीए मोड के अंदर जा सके, तो भाई वो कोड आपको देखना है बस। गाइस उस वाले कोड को डालते ही आप अपने जीटीए मोड के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर देख सकते हो गाइस अपनी ट्रेन भी पूरी स्पीड पकड़ चुकी है और जल्दी हम पहुंचने वाले अपने नाना जी घर, बस थोड़ा सा रास्ता और रह चुका है भाई, रास्ता बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, जर्नी है अपनी स्पेशल जर्नी है वैसे तो गाइस यार। फाइनली अपनी ट्रेन की जर्नी पूरी हो चुकी है और इसके बाद भाई हमको छोटा सा सफर टैक्सी का लेना है और भाई टैक्सी ड्राइवर ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और थोड़े समय बाद देखो भाई इसने अपनी टैक्सी का क्या बनवा लिया। और भाई अपने क्या है मैं चलता हूँ जल्दी से भाई अपने एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट पर कुछ नहीं करना है भाई, छोटा सा सफर एयरपोर्ट का लेना है, एयरपोर्ट का लेना गाइस यार एक फ्लाइट लेनी है छोटी सी भाई, यहाँ पर सामने बड़े वाले प्लेन भाई जो ये खड़े हुए हैं भाई इनकी फ्लाइट में अभी काफी ज्यादा टाइम है तो मैं यार अपना परमानेंट जेट ले लेता हूँ और उसको लेकर भाई अपन उड़ते हैं। और चलो तो गाइस वो वहाँ पर अपना प्लेन खड़ा हुआ है इसको उड़ाएंगे क्योंकि भाई मुझ पे ये उड़ाना आता है यार। तो गाइस चलो लेके राम जी का नाम एक करने अच्छा सा काम हम चलते हैं भाई फ्रैंकलिन के घर। तो गाइस फाइनली याहू हम उड़ चुके हैं और भाई मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है लेकिन डर सा लग रहा है। अबे भाई टेढ़ा मत हो तिरछा मत हो यार, ऐसे मत कर यार, उल्टे उल्टे क्यों चल रहा है। हाँ तो गाइस यार फाइनली अब टाइम आ चुका है जब हम अपने फ्रैंकलिन के, अरे नीचे नीचे नीचे, अबे भाई क्या कर रहा है बदतमीज। तो गाइस यार फाइनली हम अपने नाना जी के भाई गाँव आ चुके हैं और गाँव में इसको लैंड करा देता हूँ। अबे भाई भाई क्या है यार ये, भाई यार इसके कंट्रोल काफी ज्यादा यार अल्ट्रा है, ओ भाई गाँव के अंदर ही लैंड हो, सीधा अंदर ही लैंड हो गया भाई, ये देखो भाई यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ है अभी भी उड़ सकता है लेकिन फिर भी जंपिंग कर रहा है। और मेरे नाना जी घर यहाँ पर है ये और इसमें चलता हूँ और भाई जल्दी से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। फाइनली अब अपना वेट खत्म हो चुका है और नाना जी का घर भाई वो सामने वाला है। तो गाइस नाना जी के घर हैं, अरे ओ नाना जी बाहर आओ।
नाना जी आई एम वेटिंग फॉर यू। अबे क्या है भांजे, क्यों चिल्ला रहे? आओ आता भीतर आओ, आपकी खातर पानी करे। अरे 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 मामा जी को नमस्कार। अरे मामा जी हमको यार नाना जी से मिलना है, भीतर नहीं जाना, सीधा मुझे फ्रैंकलिन के घर जाना है। अरे तुझे नहीं पता तेरे नाना तो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत ही दुख भरी बात है। बोल तुझे क्या काम था उनसे, मैं बताता हूँ। अरे अरे क्या, अरे मुझे पता भी नहीं है, मतलब काम तो कुछ नहीं था, बस मुझे उनसे कोड पूछना था जिस कोड की मदद से अपन भाई GTA मोड के अंदर जा सकते हैं और फ्रैंकलिन के घर में भी जा सकते हैं मामा जी। अरे कोड की क्या जरूरत है, बस तू मुझे अपने पैसों का बैग दे दिया। ओके अब मैं तुझे भेज देता हूँ GTA मोड के अंदर। सिंपली भाई छत के ऊपर खड़ा हो जा, छत नहीं है यहीं पे खड़ा। हाँ हाँ रुक, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा आलू चलन सा पोता पोता तुम तरह। अरे भाई भाई ये कौन सा मंत्र मार दिया यार मामा जी ने? ओ फाइनली, ओ लिटरली गाइस यहाँ पर देखो भाई, भाई फ्रैंकलिन के घर में। अरे भाई मुझे यार बिलीव नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मैं फ्रैंकलिन के घर पे आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल भी कितना बड़ा है यार। भाई फ्रैंकलिन यहाँ पर नहीं है तो ये लड़की यहाँ पर क्या मौज ले रही है? मतलब फ्रैंकलिन के बिना ये लड़कियां यहाँ पर मौज ले रही है। भाई इनका मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि गाइस मैं GTA मोड के अंदर फाइनली आ चुका हूँ। और आप कैसे GTA मोड के अंदर आ चुके हैं वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन वीडियो में आगे चलकर मैं आपको वो बता सकता हूँ कि भाई मैंने क्या कोड डाला है अपने फोन के अंदर। गाइस यार अभी मैंने हालांकि मैं जल्दी में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप GTA मोड कैसे ले सकते हैं, या तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो नहीं मिल रही है तो चलो कोई ना गाइस, इस वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कैसे आप GTA मोड के अंदर जा सकते हैं। और गाइस ये जो मैंने स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाई है भाई, इसमें मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि यार GTA मोड के अंदर आखिर मैं आया तो आया कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई इन दो लड़कियों को मुझे मारना पड़ेगा, कम से कम किसी ना किसी एक लड़की को तो मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पर यार मजे ले रही थी और इन्होंने किराया भी नहीं दिया, ऐसे भाग रही है जैसे कि ये चोर है। और ये मैं इनके पीछे भागते हुए और ये मुझसे बज के भागते हुए भाई इस वाली लड़की को मारूंगा यार। ये मुझे सुंदर नहीं, यार सुंदर तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको, अरे गिर गई यार, पापा की परी गिर चुकी है। और ये भाई अबे भाग रही है यार, भागती बहुत है यार, स्टेमिना तो देखो भाई लड़की का। फाइनली गाइस ये फंस चुकी है लड़की और ये मैंने इसको मारा, ये मारा, ये मारा। अरे भाई ये मैं ही तो हूँ ना, अरे भाई मैं इसको ऐसे कैसे मार सकता, नहीं यार ये मैं नहीं था गाइस, ये भाई मैं नहीं था जो इस लड़की को मार रहा था, वो मेरा दोस्त आया था अभी और वो ही भाई इसको मार के गया है। चलो कोई ना अपन चलते हैं भाई अपना फ्रैंकलिन का घर, तो अभी तक अपने देखा ही नहीं है कि भाई कैसा घर है, क्योंकि भाई पूरा घर अभी अपने को देखना है और पूरा मैप भी देखना है और आपको भी बताना है कि कैसे आपको इस मोड को खेलना है और कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। और गाइस ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मतलब यार ये मेरा करेक्टर देख रहे हो भाई, बिल्कुल सेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का करेक्टर है भाई, वो ही मैं हूँ जो अपने मामा जी के घर था और यहाँ पर आ चुका हूँ डायरेक्ट, देख सकते हैं आप सभी लोग। लेकिन यार एक सेकेंड, यहाँ पर फोन चेंज हो चुका है भाई, फोन तो देखो भाई टाइम भी दिख रहा है, फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे, और भाई सब कुछ बिल्कुल फिक्स है। और चीट कोड भाई ट्राई करेंगे अपन, चीट कोड सेम है कि भाई चीट कोड बदल चुके हैं? वैसे यार चीट कोड बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर 1000 डायल करने पे फॉर्च्यूनर आती है, ऐसे इसके अंदर भी भाई सेम चीट कोड होने वाला है। और अपना करेक्टर भी आप सभी लोग देख सकते हो, कपड़े भी देख सकते हो इसके, भाई टकले की टांट भी देख सकते हो। और चलो अपन भाई यहाँ से, भाई हमने लड़की मारी है तुमको पता है, जैसा कि पुलिस भी जल्दी ही आने वाली है और वो मेरे घर पे हमला करेगी, उससे पहले मैं नीचे चलता हूँ भाई। अंडरग्राउंड नहीं है वो, मेरा दूसरा घर है भाई, वो ट्रेवर का घर है कि पता नहीं किसका घर है, वो माइकल का घर था जहाँ पर मैं अभी था। और भाई ये शायद से ट्रेवर का घर है भाई, ट्रेवर का घर हो, चलो किसी का हो भाई, मुझे यहाँ से भागना है क्योंकि भाई पुलिस आ चुकी है। और अरे भाई सामने भी पुलिस, और आवाजें सुनो भाई पुलिस की, गाड़ी की सायरन की आवाज आ रही है, मतलब वहां भी पुलिस है। अपन कुछ नहीं, मैं भागता हूँ यहाँ से। और भाई भाई गाइज आप सभी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज यार मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला ही नहीं तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, भाई जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और चलो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको GTA मोड लेना है और कैसे आप सभी लोग अपने गेम के अंदर GTA मोड खेल सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइज GTA मोड लेने की, अगर आप यार PC प्लेयर हैं तो भाई बिल्कुल इजीली खेल सकते हो, और अगर आपके पास फोन है तो गाइज तो भी आप अपने गेम के अंदर GTA 5 मोड खेल सकते हो, माइकल का हाउस ले सकते हो। गाइज चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है अपने गेम के अंदर GTA 5 मोड लेने के लिए और माइकल के हाउस के घर के पास जाने के लिए। और ये भाई गरीब का घर है और करना कुछ नहीं है गाइज, आपको अपने गेम के अंदर अगर GTA मोड लेना है तो गाइज GTA मोड लेने के लिए सबसे पहले तो गाइज आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, जो जो बंदा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और भाई
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ये भाई सबसे जरूरी है, वरना आपको GTA मोड नहीं मिलने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको कमेंट सेक्शन ओपन करना है और कमेंट में लिख देना है GTA मोड, मतलब जिस बंदे को भी GTA मोड लेना है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई यार सभी बंदों को मैं GTA मोड दे नहीं सकता, क्योंकि गाइस GTA मोड काफी ज्यादा महंगा है और भाई इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा ही है। तो भाई GTA मोड जो जो बंदा कमेंट कर देगा उसको मैं GTA मोड दे दूंगा। और GTA मोड बनाना भी भाई मैं एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग भी अपने गेम के अंदर GTA मोड बना सकते हो और भाई GTA मोड अपने फोन में भी खेल सकते हो। तो बस यार आप सभी लोग कमेंट कर दो अगर आपको अपने गेम के अंदर भी ये वाला GTA मोड लेना है। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं गाइस अपने गेम के अंदर न्यू अपडेट भी आने वाला है और न्यू अपडेट में भी काफी कुछ चीज नई नई ऐड होने वाली है। और उसी के साथ गाइस अपने गेम के अंदर भाई न्यू अपडेट में ये वाली ओल्ड थार ऐड कर दी गई है जिसका चीट कोड है 9090, मतलब यार 9090 का चीट कोड है ओल्ड वाली थार का। और आप सभी लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये ले ली है। और उसी के साथ साथ भाई 600 डायल करने पे अपना डॉग आता है, ये बात तो आपको सभी को पता होगी। और भाई अगर हम इस वाले डॉग के पास जाते हैं, मतलब यार ये डॉग जो आप देख रहे हो येलो कलर जर्मन सीपर डॉग है, और अगर इसके पास आप सभी लोग जाते हैं तो भाई एक होती है शॉकिंग सी बात, मतलब वह बात आपको भी पता है वैसे तो यार, चलो फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि गाइस आप सभी लोग इस डॉग के ऊपर भी बैठ सकते हैं और इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। हाँ गाइस ये देख लो, जैसे मैं इसके पास गया भाई यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, आप सभी लोग देख रहे हो यहाँ पर ये कुत्ते का भाई पंजा है, क्या भाई इसको क्या ही बोलूं भाई, मैं क्या ही बोलूं इसको, ये ड्राइव का ऑप्शन है, ये एरो मैंने किया है यहाँ पर देख सकते हो ड्राइव का ऑप्शन है। हाँ तो गाइस इसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं और भाई इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर बैठ सकते हैं ये देख लो भाई मैं इसके आगे ऐसा लग रहा हूँ, कितना बड़ा यार, ये बहुत ही गंदी बात है यार एक पशु के ऊपर बैठना, पता कुत्ते के ऊपर कौन बैठता है यार, डॉग के ऊपर कौन ही बैठना पसंद करेगा। वैसे गाइस जो भी है चलो अपने को क्या है भाई इसको ड्राइव करते हैं और मौज लेते हैं। और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और GTA मोड के बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आपको GTA मोड लेना है तो कमेंट करना है और कमेंट में लिख देना है GTA मोड, और भाई जिस जिस बंदे को चाहिएगा मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि गाइस सभी को मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि गाइस GTA मोड काफी ज्यादा महंगा है और भाई यार ऐसे देना भी नहीं यार, पीसी में तो आप सभी लोग ले सकते हो लेकिन भाई फोन प्लेयर के लिए लिमिटेड GTA मोड है। तो गाइस कमेंट कर दो जिस जिसको GTA मोड लेना है। और ये डॉग तो भाई मुझको बिठा के ऐसे जा रहा है कि भाई जैसे चींटी को बिठा के भाग रहा हो, स्पीड देख रहे हो इसकी, मतलब यार हट भाई यार कुछ भी। तो गाइस चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, और भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मल्टीप्लेयर मोड के बारे में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, नेक्स्ट वाली वीडियो में काफी कुछ शानदार होने वाला है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।